गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिकन रोड और लेडी मैक्लेगन गर्ल्स हाई स्कूल पुरानी अनारकली में तकरीरी मुकाबलों का एहतमाम किया गया। इन मुकाबलों में 84 तलबा और तालिबात ने शिरकत की। मुकाबलों के मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मियाँ सदीक अहमद थे। डिवीजन की सतह के तकरीरी मुकाबलों में ननकाना, शेखुपुरा कसूर और लाहौर के तलबा ने हिस्सा लिया। We should try to sacrifice our everything for the glory of our country. Every citizen must realize that it is his motherland which gives him a recognition among all the other nations. With our actions, we'll have to show the worth of our religion. It is a good Muslim who can change the outlook of others about Islam. In fact, a good citizen who exhibits and performs responsibilities in the sanctuary of God, along with competency, transparency, smitty, accuracy, self-assertion and smartness by the way of his manner, attitude and behavior. तलबा को मौजू पर इजहार ख्याल के लिए 5 से 7 मिनट का मुकर्रर वक्त दिया गया था। मिडल के तकरीरी मुकाबलों का मौजू इंसानियत मोमिन की मेराज है, जबकि अंग्रेजी के तकरीरी मुकाबलों का मौजू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन रखा गया था। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मियाँ सदीक का कहना है कि तकरीरी मुकाबलों के जरिए बेहतरीन मुकर्ररीन को सामने लाया जाएगा, जिससे उनकी खुद एतमादी उभर कर सामने आएगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक मुनक़द हो रहे हैं और ये बहुत अच्छा इकदाम है, जिसमें हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस डिवेल्प हो रहा है और अच्छे मुकर्रर साबित हो रहे हैं। वज़ीर आला तकरीरी व मज़मून नवीसी के डिवीजन सतह के मुकाबले 17 दिसंबर तक जारी रहेंगे। सूबाई सतह के मुकाबलों का आगाज 1 जनवरी से होगा। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ आमरा इब्रार, सिटी 42।